हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एमॉक्सिलिन दवा। एमॉक्सिलिन का यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है या फिर ओरली दिया जाता है, ये कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमॉक्सिलिन होता क्या है। एमॉक्सिलिन क्या है? तो एमॉक्सिलिन एक एंटीबायोटिक मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसी परिस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसी परिस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि श्वसन पथ का संक्रमण हो, त्वचा का संक्रमण हो, साइनस का संक्रमण हो, मूत्र मार्ग का संक्रमण हो, चिकित्सकीय और मौखिक संक्रमण हो, नरम ऊतकों का संक्रमण हो, और संक्रमित मानव या पशु के काटने पर होने वाला संक्रमण। अगर हम बात करें कि एमॉक्सिलिन कैसे काम करता है, तो एमॉक्सिलिन पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरिया दवा का ही एक अनुरूप है, जो जीवाणु की कोशिका की दीवार के संश्लेषण में हस्तक्षेप करके जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ये जो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। अगर हम बात करें कि भारत में एमॉक्सिलिन का मूल्य क्या है, तो 104 रुपये में 250 मिलीग्राम की 100 कैप्सूल की डिब्बी प्राप्त होती है आपको भारत में। एमॉक्सिलिन कैसे लें? अगर हम बात करें कि एमॉक्सिलिन आपको कैसे लेना चाहिए, तो एमॉक्सिलिन गोलियों और निलंबन के रूप में मिलता है, जिसे रोज़ाना पानी के साथ मुंह द्वारा लिया जा सकता है, और ये इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, जो कि आई भी दिया जाता है। भोजन के साथ या बाद में इस दवा को लेना सबसे सही तरीका है, क्योंकि भोजन के साथ इसे लेने पर दवा का अवशोषण अच्छी प्रकार से होता है। अच्छे परिणाम पाने के लिए एमॉक्सिलिन 500 को समान समय के अंतराल पर लेना चाहिए। टैबलेट को कुचलकर या चबाकर नहीं खाना चाहिए, टैबलेट को पूरी तरह से निगलकर ही लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि एमॉक्सिलिन की सामान्य खुराक क्या होती है, तो ये डॉक्टर के अनुसार लेनी चाहिए। इंजेक्शन के रूप में भी आप ले सकते हैं, और ओरली भी इसकी टेबलेट आती है उस रूप में भी ले सकते हैं। अगर इंजेक्शन के रूप में आप लेते हैं, तो आपको आईवी लेना चाहिए, क्योंकि आईएम का इसका कोई रूट नहीं होता, और आईएम लेने से आपको कोई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि उस जगह पर ईचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, और सभी जो कंडीशन है ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए एमॉक्सिलिन की जो इंजेक्शन है वो आईवी ही देनी चाहिए। और जो टेबलेट है वो रोगी की आयु और उसके शरीर की वजन के अनुसार देनी चाहिए। रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति और चिकित्सा की स्थिति के अनुसार देनी चाहिए। रोगी की गंभीरता को देखनी चाहिए, पहली खुराक लेने की प्रतिक्रिया को देखनी चाहिए, एलर्जी और दवा की प्रतिक्रियाओं का भी इतिहास लेना चाहिए। गोलियां जो है वो सिरप में भी आती हैं, अगर आप सिरप में लेना चाहें तो सिरप में भी ले सकते हैं। एमॉक्सिलिन को कब नहीं लेना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें, तो इसे लेने से उन मरीजों को बचना चाहिए जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी हो, अतीत में जिगर के रोग या पीलिया के एक इतिहास हो, और एमॉक्सिलिन वायरल संक्रमण जैसे फ्लू सामान्य ठंड के मामले में काम नहीं करता है। इसलिए एंटीबायोटिक का अनावश्यक उपयोग टालना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी प्रभावकारिता कम हो जाती है। जिगर या किडनी की गंभीर समस्या वाले मरीजों को एमॉक्सिलिन से बचना चाहिए। एचआईवी, एड्स और ल्यूकेमिया सभी प्रकार वाले मरीज को एमॉक्सिलिन नहीं लेनी चाहिए। बीसीजी का टीका या टाइफाइड का टीका अगर ओरल दिया गया हो मरीज को, तो एमॉक्सिलिन नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि एमॉक्सिलिन लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो इसके सामान्य दुष्प्रभावों में वोमिटिंग और पेट में दर्द होना, पेट में गैस होना, मुंह में सफ़ेद कवक का पैच होना, त्वचा पर इन्फेक्शन होना, ईचिंग होना, और वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन आदि, ये सब शामिल होते हैं। दुष्प्रभावों में पीलिया, रक्तस्राव, भ्रम, असामान्य व्यवहार या विचार, भूख की कमी, कमजोरी, ये सब भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि किस बॉडी पार्ट पर ज़्यादा ये इफ़ेक्ट डालते हैं, तो किडनी और जिगर की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में इसकी खुराक के समायोजन की आवश्यकता होती है। जो किडनी से रिलेटेड पेशेंट है या फिर जो लीवर से रिलेटेड पेशेंट है, उन लोगों को अगर आप दे रहे हैं एमॉक्सिलिन की दवा, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। अगर हम बात करें कि अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या गर्भवती होने पर एमॉक्सिलिन ले सकते हैं, यदि आप गर्भवती या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो अपने डॉक्टर को इसकी सूचना दें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान एमॉक्सिलिन लेना शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को कम कर सकता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है क्या बच्चों को स्तनपान कराने के दौरान एमॉक्सिलिन ले सकते हैं, यदि बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि स्तन के दूध में एमॉक्सिलिन उत्सर्जित होता है, इसलिए स्तनपान कराने
वाली महिला को एमॉक्सिलिन से सावधानी होनी चाहिए। क्या एमॉक्सिलिन लेने के बाद ड्राइव कर सकते हैं? अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो एमॉक्सिलिन लेने के बाद दुष्प्रभावों के रूप में उनीदापन और चक्कर आना आदि हो सकता है, इसलिए इस दवा को लेने के बाद नींद या चक्कर आते हैं तो ड्राइविंग से बचने की सलाह दी जाती है। अगर हम बात करें कि इसका भंडारण कैसे कर सकते हैं, तो एमॉक्सिलिन टेबलेट को सीधे प्रकाश और गर्मी से दूर ठंडे और शुष्क वातावरण में रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि एमॉक्सिलिन, अगर आपके मन में जैसे क्वेश्चन है कि एमॉक्सिलिन जब डिलीवरी होती है उसके बाद दे सकते हैं, तो एमॉक्सिलिन की अगर डिलीवरी हो रही है होने के बाद एमॉक्सिलिन का यूज करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बॉडी पार्ट पर लगते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो इसलिए आप डिलीवरी होने के बाद एमॉक्सिलिन की दवा दे सकती हैं। तो थैंक यू, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।